लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। सूर्य देवता की उपासना के महापर्व छठ पूजा के लिए आज नवी मुंबई के तमाम तालाब और घाट सज गए हैं। पाम बीच तालाब ज्वेल्स ऑफ नवी मुंबई और तुर्बे रबाले और एरोली में तालाबों पर छठ व्रतियों के लिए इंतजाम किए गए हैं, जहां छठ व्रती कल अस्ताचल सूर्य को अपना पहला जल समर्पित करेंगी। देखिए रिपोर्ट। सूर्य उपासना के लिए मशहूर छठ महापर्व के लिए नवी मुंबई के तालाब की सफाई और इंतजाम पूरे हो गए हैं। महानगर पालिका ने इस बार कोरोना प्रतिबंधों के कारण पारंपरिक कार्यक्रमों के लिए परमिशन नहीं दी है, लेकिन छठ व्रतियों को घाटों पर कोई तकलीफ ना हो इसके इंतजाम किए गए हैं। तुर्बे में फाइजर्स कंपनी के पीछे कृत्रिम तालाब बनाए गए हैं, जहां घाट भी निर्मित किए गए हैं, ताकि छठ व्रती पानी में उतरकर अस्ताचल सूर्य को अपना अर्घ्य दे सके। वही ज्वेल्स ऑफ नवी मुंबई यानी पाम बीच तालाब पर छठ व्रतियों के लिए पूजा पिंडिया बनाई गई है, जहाँ पूजा पाठ के बाद छठ मैया को पहला अर्घ्य दिया जाएगा। इस अवसर पर इंतजाम करने वाले सेवा भाविकों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। छठ मैया के बारे में हम लोग यही है कि लोग उनकी पूजा करते हैं माता जी के, तो यहाँ पे जो तालाब है लोगों को पानी के बहुत समस्या है, तो कहीं जगह नहीं है, तो काफ़ी सालों से हम लोग यहाँ पे साफ सफाई वगैरह करके अच्छे से और यहाँ पे लोगों को सेवा का चांस देते हैं और उस सेवा में हम भी योगदान देते हैं, भाग लेते हैं। गांव में लोग सेवा करते हैं, यहाँ चांस नहीं मिलता है, तो अभी हम लोगों को चांस मिला है भगवान का सेवा करने के लिए, तो वो हिसाब से हम लोग सेवा करते हैं। घाट की सजावट हम लोग साफ सफाई वगैरह अच्छे से करते हैं, पानी को भी साफ करते हैं, लाइटिंग वगैरह करते हैं अच्छे से, खूब बढ़िया से अच्छे से साफ सफाई करके लाइटिंग वगैरह सब करके लोगों को चा पानी जो भी सेवा होता है वो हम लोग जो लोग उपास करते हैं माता लोग मतलब बहन लोग माता लोग जो भी उपास वगैरह करते हैं तो उनको जो सेवा में लगता है वो हम लोग उपलब्ध कराते हैं। और हमारे पीछे बड़े एक सहयोग के उनका सपोर्ट है जिनका नाम है सुरेश कुलकर्णी साहब, सभी गरीब लोगों को हमेशा हेल्प करते हैं और उनका हमेशा सपोर्ट रहा है हम लोगों को। अपने छठ पूजेसाठी आम्ही जे इथं मोठ्या संख्येने लोकसंख्या आपले इंद्रनगर भरपूर लोकसंख्या आहे, त्याच्यामध्ये आपण बऱ्याच ठिकाणी बऱ्याच वर्षे झाले, मला वाटतं 15 वर्षे झाली असतील, 15 वर्षापासून आपण धार्मिक काय असे काव्य कार्यक्रम राबवतो इथे, आणि इथे काय अडीअडचणी असतील त्यांच्या अडीअडचणी आम्ही माननीय श्री सुरेशजी कुलकर्णी साहेब यांच्या माध्यमातून आम्ही संपूर्ण लोकांना चहा नाश्ता काय त्यांचं जे असेल ते आम्ही पूर्ण इथं देण्यात येत आहे। आणि सामाजिक उपक्रम म्हणजे आपण इथं साफसफाई असेल किंवा दुसऱ्या अजून गोष्टी काही इतर गोष्टी असतील ते आम्ही सर्व आमचे नगरसेवक आम्हाला पुरवतात आणि आम्ही त्यांच्या मार्गदर्शनाखालीच हे कामं करत असतो। ब्युरो रिपोर्ट, टीव्ही वन इंडिया।